अज तक जेडे सीएम तो बड़े देखे, इन्ना झूठा तो गप्पी सीएम मैं नहीं देखा। असी कित कहना कोई मंजे पर बह के चाह पी के ये सीएम के काम नहीं। सीएम का काम आ कि वो लोगों ना किए हुए जोड़े कांग्रेस ने वादे से वो पूरे करता। चन्नी साहब का मन लगता कि वे लोड़ जहे जे रहे 111 दिन की जेकर लोग दे देने के साहब ये भी जोड़े कम शुरू कराए थे। इतने असी स्टेडियम बनाने की गल की, अज इन्हों का ही मंत्री जरा अज मौजूदा मंत्री है उन्होंने ये गल कही है कि जोड़ा असी खर्चा आ वो म्यूनसिपल कमेटी को पाता। वही अफसर इतने लगेगा जोड़ा लोगों को मान सम्मान देगा। देखो मेरे लिए तो सुपना सिर्फ दो आ, एक लोगों को चंगी एजुकेशन देनी। असी 10 लाख की परिवार की इंश्योरेंस स्कीम लैके आनी है, जिसे बिल लैके आना हर डॉक्टर नूं हर हॉस्पिटल नूं वो मनना पएगा। विधानसभा इलेक्शन लैके चोण प्रचार का आखिरी गेट चल रहा है। देख रहे हैं कि सारे उम्मीदवार अपने तौर उत्ते जी अपने पूरे हल्के वध तो वध राबता कायम कर रहे हैं, कोई रोड शो कर रहा है, कोई मीटिंगां कर रहे हैं। तो अज असी पहुँचे हाँ डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुखी के निवास स्थान पर, जिते देख रहे हैं कि बड़ी रौनक है। लोग जड़े ने अपन ड्यूटियां लगवाने लिए इतने पहुँच चुके हैं कि आने वाले दिनों के ड्यूटी किस तरीके लगाई जाती है, किस तरीके बूथों के उत्ते जड़े ने अपने वलंटियर जड़े ने ड्यूटी देंगे ने। तो सुखी साहब सा मौजूद ने, पहला तो कितना चल रहा जी, लास्ट टाइम रह गया, कल जी कंपेनिंग बंद हो जानी है? देखो सब तो पहला तो मैं बंगा विधानसभा के समूह वोटर सपोटर का और वासियों का धन्यवाद करता कि जिन्होंने अजे तक शांतिपूर्वक सारा ये प्रोसैस जरा लगता कंप्लीट हो जा रहा। और जिस तरह का माहौल है, लोगों ने मन बना लिया कि 2022 के जी सरकार पंजाब बनानी है वो बहुजन समाज पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार बननी है, क्योंकि लोगों के बीच जिस तरह की दिख कांग्रेस ने देने की कोशिश की थी कि असी नशा मुक्त पंजाब देवे, असी घर घर नौकरी देवे, उन्होंने 90,000 करोड़ कर्जा माफ़ करने की गल की सी, पर साढ़े सामने ही है ना घर घर नौकरी मिली। नौकरी क्यों मिली? जेडे इन्ह के बेंत सिंह जी सबका सीएम उन्होंने पोते नौकरी मिली, जड़ा जड़े अपने सुखजिंदर सिंह रंधावा उन्होंने जवाई में मिली, पांडे MLA साहब के पुत में मिली। और आम लोग कहना देखते दे, रेड़ी रह गए कदों नौकरियां मिलनियाँ। सो मैं समझना कि अज लोग कांग्रेस तो ठगे ठगे महसूस करते हैं। सो मैं तो यही देखा कि लोगों ने मन बनाया कि सरकार जी बसपा अकाली दल की बनानी है। जे कांग्रेस की गल करते हैं, पिछले 5 साल की सरकार की गल नहीं हो रही, सिर्फ 111 दिन की गल रही है, आप 111 दिन की ही गल करिए, किस तरीके लैके चलते हो जो 111 दिन का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, क्योंकि 5 साल जो गिन नहीं रहे, वो तो कहते 111 दिन की सरकार सी। देखो वो तो कुछ भी कही जाएंगे, क्यों कैप्टन साहब भी उन्होंने सी, चन्नी साहब भी उत्थे उहदे कैबिनेट मंत्री सी, और यह 3 महीने पहला यही चन्नी साहब कहते सी वी साडे बब्बर शेर है, इदां दा सीएम हो नहीं सकदा, नहीं तो विधानसभा की रिकॉर्डिंग कढ़ा के देख लो। और अज ये कहते साडा उन्हां ना चलो छड्डो, इहदी 111 दिन दी तुहानूं मैं कागज़ जिन मैं अज तक जिहड़े सीएम तो बड़े देखे, इन्ना झूठा ते गप्पी सीएम मैं नहीं देखिया। जिहड़ा कहिंदा सी वी 5-5 माले मैं कहिंदा घर घर देते, तुसीं दस्सो कि किसे साडे मेरे हल्के 'च इक पिंड दिखा दिओ। कहिंदा सी वी जिहड़ी लाल किले दे अंदर जिन्नियां वी जमीनां आ जिन्हां दे घर आ उन्हां दे मैं कहिंदा रजिस्ट्री करा देणी आ। और कहिंदा 36,000 बोर्ड लगे बे असी मुलाजम पक्के करते, और केड़ा मुलाजम पक्का होया जे एक भी चन्नी साहब एग्जाम्पल दे दें, क्योंकि जेकर असी सोचते हैं कि न्याणियां नूं झूठे दे के असी कित कहिंदा कोई मंजे ते बह के चाह पी के ये सीएम दे काम नहीं। सीएम दा काम आ कि वो लोगों नाल किए हुए जिहड़े कांग्रेस ने वादे सी वो पूरे करदा। चन्नी साहब दा मैनूं लगदा कि वे लोड़ जिहे जे रहे 111 दिन की जेकर लोग दे देणगे साहब, मैं मेरे कहने ना कोई चंगे मेरे कहने ना माड़ा नहीं आना, लोगों ने दसना मैंने चंगा किया माड़ा किया। सो ये अगली 10 मार्च को 20 तरीक लोगों ने वोटा पा के अपने राय दे देनी है, 10 को बाहर आ जानी है। 5 साल पहले तुम हल्का इंचार्ज रहे हो, फिर पिछली बार बेशक कांग्रेस सरकार सी, तुम हल्के की नुमाइंदगी की, MLA रहे हो इतों, किस तरीके देखते हो अपना पिछला 10 साल का जोड़ा कार्यकाल है? देखो जो मैं इतने मैनू पार्टी ने मुख सेवादार लाया सी
मैं नाल नाल प्लैनिंग बोर्ड का चेयरमैन भी सी। असी 150-200 करोड़ रुपये सलके खर्चा लोगों को, मेरे नहीं कहना मतलब रिकॉर्ड चा सरकारी खात्या चा पर लोगों के बिच भी है। तुम पिंड जाओ जिन्हें कम असी किए ये कर नहीं सके कोई। ये तो यह जो कम अभी शुरू कराए थे, इतने असी स्टेडियम बनाने की गल की, अज इन्हों का ही मंत्री जिहड़ा अज मौजूदा मंत्री है उन्होंने ये गल कही है कि जिहड़ा असी खर्चा आ वो म्यूनसिपल कमेटी को पाता, यानी कि जिन्ना खर्चा हुण उस स्टेडियम पर आएगा, पहला 87.45 लाख जो एसटीमेटेड कॉस्ट से, हुण जिन्नी भी उसे बनाने जिन्ना भी पैसा खर्चा आएगा एक्सट्रा वो कमेटी को अपने को पाना पेगा, उन्होंने फाइन किया कहना इन्हों। सो मैं समझता पर फिर भी अजे तक कम शुरू नहीं करा रहे। सो मैं समझता जो हुण साडी सरकार बनेगी असी बनावांगे। इन्हां ने तां कोई साडे असी जिहड़ा मुफ्त अपने साढ़े जिते एक नंबर वार्ड के असी अंबेडकर भवन बनाया सी, इन्हां ने 5 साल के अजे तक उत्थे लाइटां नहीं लगियां ना तो लेकिन जी इस तरह की कागजगारी लोगों सामने ही है। मैं तुसी जाके उत्थे अंबेडकर भवन देखो वह हाल की है, हुण खड़ा करता उत्थे लाइटां नहीं लाइया और पैसे पूरे खा लाए। सो मैं समझना कि लोग सब जानते हैं, लोगों ने हर की बख्शना नहीं होनी की जरूरत होर ने यह विधानसभा हल्का बंगा दियाँ। अगर मुढ़िया जरूरतों की गल करिए कि जोड़े काम होने वाले हो सुपना हो कि मैनू अगर मौका मिलता तो मैं ये काम अजे होर पूरे करवाऊँगा। देखो मेरे लिए तो सुपना सिर्फ दो आ, एक लोगों चंगी एजुकेशन देनी और हैल्थ। और मैं लोगों ने वादा किया मैं थोड़े थ्रू फिर वादा करदा कि असी हर 25,000 पिछे एक 5,000 पढ़ाने वाला स्कूल बच्चा जैसे पढ़ सकेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और बच्चे नू घर तो स्कूल तक स्कूल तो घर तक छड़ना पूरी जिम्मेवारी सरकार दी। और 100% हर सब्जेक्ट दे टीचर उस स्कूल होणगे और मेरे हल्के करीब को 7 स्कूल बन गए। और दूसरा हैल्थ, असी 10 लाख की परिवार की इंश्योरेंस स्कीम लैके आनी है, जिसे बिल लैके आना, हर डॉक्टर नू हर हॉस्पिटल नू वो मनना पेगा। और एक किड्डी बड़ी चंगी मैंने समझा चंगी स्कीम होएगी कि डॉक्टर भी तुहाडी मर्जी दा, हस्पताल भी तुहाडी मर्जी दा, जस कार्ड लैके जाना असी। सो मैं समझा जी असी मैं दो गल्लां जो विधानसभा के अंदर मेरिया बन दी करांगा जो साडी सरकार बनती है। तीसरा कहना मतलब असी नठे बजे फिरते जिन्नी बार जनता घूमती है कारा तेल फूके जाते कोई मोटरसाइकिल तेल फूक ये मान सम्मान ही है ना कि तुम थाने जाओ कचहरियाँ जाओ तुम तहसीले जाओ थोड़ा मान सम्मान हो जेब वालू ना देख। ये मैं बंगा हल्के लोगों वादा करदा कि इतने करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस होएगी, वही अफसर इतने लगेगा जिहड़ा लोगों मान सम्मान देगा और किसी की जेब वाल नहीं देखेगा। क्योंकि ये 3 गल्लां मैं समझदा कि लोगों की इस वेले मेजर डिमांड आ। बाकी तो देखो असी 3100 रुपया पेंशन देनी है, असी 75,000 रुपया असी उहदी जिहड़ी शगन स्कीम करनी है, वो एक वक्री चीज़ है जिहड़ी मैनू लगता कि जिहदे नाल साडी सब की जरूरत जुड़ी हो एजुकेशन ते हैल्थ ते लोगों का मान सम्मान, ये मैं प्रायोरिटी दे लूँगा। और लोगों का वादा करदा जे मैं ये 3 काम ना कर सकिया तो अगली बारी मैनू वोट आना पाओ, क्योंकि जिन्ना चिर असी कहिंदा उन्नी तो फिर कोई होर को आऊगा वो गुटका साहब की सौंख आके मुकर जाऊगा। जे असी जिन्ना चिर असी अपने नुमाइंदे जिन्हों चुन के भेजते हैं जो कम नहीं करता उन्होंने अगली बार सज़ा देनी बनती है, अभी तो उस नुमाइंदे आने नहीं चाहिए। जी मैं ना करा सकया मैं नहीं आना, पर मैं वादा करदा कि मैं कराऊंगा और उस इसे बेस से वोट लैन आऊँगा। बहुजन समाज पार्टी के कैडर की किन्ना रिस्पोंस मिल रहा, किस तरीके दे नाल चल रहे हैं, की लगता है कि लीड जी है कि वधेगी? देखो लीड तो नहीं, अभी तो लोगों का रिस्पोंस देखते हैं, लीड तो लोगों ने दवानी है उन्होंने काम आ। पर मैं ये लगता कि जिस तरह उत्साह आ जो 1996 सब श्री कांशी राम और सरदार प्रकाश सिंह बादल उस वे अकाली दल बसपा समझौता होया सी, उस वे समझौता 13 चो 11 पार्लीमेंट सीटा से सी और 11 दियां 11 पार्लीमेंट सीटा असी जितियां सी इस गठजोड़ ने, उही इतिहास हुण असैंबली च दोहराना आ। और लोगों ने मन बना लिया है कि असी सब श्री कांशीराम की सोच नूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच नूं और श्री गुरु ग्रंथ साहब की सोच जिहदे ते दोनों पार्टियां जिस आइडियोलॉजी ते चलदियां जिहनूं लागू करन की गल करदियां, जिहते जिथों असी आशीर्वाद भी लैंदे आ और तो सीध भी लेने हैं। तो मैं समझा कि साडा टीचा भी है और लोगों ने मन भी बनाया इस बारी वो इतिहास में दोबारा दोहराएंगे।